तो आपको हम यही सलाह देंगे कि 1600 मीटर का वर्कआउट आप अगर कर रहे हो तो ढंग से करना, ऐसा ना हो कि आप लगातार दौड़ते जा रहे हो आपको लगता है कि हम बहुत अधिक दौड़ रहे हैं, लेकिन वो आपका वर्कआउट आपको नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब समझ रहे हो आप, नुकसान ये हो जाता है कि कभी कभी वर्कआउट गलत होने की वजह से हमें स्पीड नहीं आती, हम अपनी दम खो बैठते हैं, हम चलते बहुत हैं लेकिन टाइमिंग नहीं ला पाते हैं, ये उल्टा सीधे वर्कआउट होने की वजह से ही होता है। आपको सही से वर्कआउट करना है, किस वर्कआउट को कैसे करना है, टाइमिंग उसकी कितनी जाएगी, आपको वीडियो देखना है, उसका शेड्यूल समझना है, उसके बाद में धीरे धीरे उसी पर ही आपको फोकस करना है। आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब आपको हम दिखाएंगे कि 1000 मीटर की वर्कआउट मतलब पेस होती है, उसमें टाइमिंग कैसे जाती है। काफ़ी डिवेस कितनी की जीतन सबसे आगे दौड़ रहे हैं, सबसे अच्छा ग्रुप में दौड़ती हैं। ये हमारे लड़के भाई 1 किलोमीटर पेस करके आते हैं। एक किलोमीटर की पेस हो रही है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, दो लोग आगे निकल चुके हैं और 3 लड़कियां पीछे आ रही हैं।
50 मीटर की लीड। कितना शिवा नैन्सी? 5-2 और तेज। 5-15 और तेज। वो डंडा लेके आ रही पीछे से। 5-25 लास्ट सोना में आ दो। 5-38 जल्दी जल्दी जल्दी। सांस रोक के मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखें। 6 मिनट 5 सेकेंड।